Hello everyone, welcome to my channel. I am Sudarshan Shilar, founder of The Showcase Interiors. We make affordable, modern and designer furniture for homes and offices. Guys, please do subscribe to my channel and hit the bell icon for latest updates on interiors related video. Guys, आज हम देखने वाले हैं how to design 1 BHK interiors under 3 lakh rupees. So guys, let's start with living room. इस प्रोजेक्ट में लिविंग रूम की साइज है 15 फीट बाय 9 फीट। लिविंग रूम में जितना फ्री स्पेस ज़्यादा हो उतना ही एलिगेंट दिखता है। स्टार्टिंग विद टीवी यूनिट, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाईवुड एंड लैमिनेट। टीवी यूनिट में हमने 4 ड्रॉर्स दिए हैं और सेंटर में सेटअप बॉक्स के लिए प्रोविजन भी दिया है। टीवी के जो वायर्स है उसके लिए हमने वॉल में पाइप कंसील किया है, जिसकी एक ओपनिंग टीवी के पीछे है और दूसरी ओपनिंग सेटअप बॉक्स स्लॉट में है। इससे वॉल पैनलिंग का कॉस्ट भी कम हो जाता है और कोई वायर भी बाहर नहीं दिखती। हमने यहाँ 3 लेजेस भी डिज़ाइन किए हैं, जिस पे आप अपने आर्टिफैक्ट्स या ट्रॉफीज भी रख सकते हैं। इस टीवी यूनिट की कॉस्टिंग जाती है अप टू 20,000। अब सोफ़ा देखते हैं। ये 7 फीट का 3 फीटर सोफ़ा है, जहाँ पे 6 फीट यूज़ करने मिलती है और 6 इंच के आर्मरेस्ट दोनों साइड आते हैं। सोफ़ा डिज़ाइन एंड क्लॉथ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट स्टोरेज इन दिस सोफ़ा। अगर आपको सोफ़ा कम बेड चाहिए तो वो भी ऑप्शन हम कर सकते हैं, बट बजट थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिलहाल हम नॉर्मल सोफ़ा ही कंसिडर करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग जाती है 21,000 ओनली। हमने लिविंग रूम में कर्टन पैनलिंग डिज़ाइन की है। दिस पैनलिंग इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लाईवुड एंड लैमिनेट। इस पैनलिंग की हाइट है 2 फीट। पैनलिंग से कर्टन रॉड नहीं दिखते और रूम को और एलिगेंट लुक आ जाता है। ये पैनलिंग की कॉस्टिंग जाती है आपको 12,600 ओनली। फाइनली फॉल सीलिंग यानी POP देखते हैं। फॉल सीलिंग के लिए हमने जिप्सम बोर्ड यूज़ किया है। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बहुत सिंपल और एलिगेंट रखी है। लाइट्स में हमने नेचुरल वाइट इन LED पैनल लाइट और वार्म वाइट इन LED स्ट्रिप लाइट यूज़ किया है। LED स्ट्रिप लाइट में मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग जाती है अप्रॉक्स 30,000 ओनली। सो देखा जाए तो लिविंग रूम इंटीरियर का टोटल कॉस्टिंग है 83,600 ओनली। फ्रेंड्स, सिर्फ इतने कम पैसे में ही इतना एलिगेंट और मॉडर्न लुक आ सकता है, अगर आप राइट इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस फर्म चूज़ करोगे तो। अब हम आते हैं घर के विमेंस फेवरेट एरिया किचन की तरफ। इस प्रोजेक्ट में किचन की साइज़ है 7 फीट बाय 7 फीट। यह हमने मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन किया है। किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरेज दिया है और पैरेलल वॉल पे लॉफ्ट में स्टोरेज दिया है। लॉफ्ट में स्टोरेज 7 फीट हाइट पे होता है, जिसके कारण किचन में ज़्यादा ओपन स्पेस मिलती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने क्रॉकरी स्टोर करने के लिए ग्लास कैबिनेट दिया है, जिसमें हमने LED स्पॉटलाइट भी यूज़ किए हैं। उसके ऊपर हमने 2 फीट का स्टोरेज भी दिया है। किचन प्लेटफॉर्म के नीचे हमने 6 बास्केट स्टेनलेस स्टील ट्रॉली दी है, जिसमें आप अपने प्लेट्स, कप्स और बड़े यूटेंसिल्स रख सकते हैं। हमने गैस और वॉश बेसिन के नीचे शटर्स भी प्रोवाइड किए हैं। किचन फर्नीचर प्लाईवुड और लैमिनेट से बना है। जनरली मॉड्यूलर किचन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसके कवरेज हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट वीडियो में करेंगे। ये फुल मॉड्यूलर किचन की कॉस्टिंग जाती है अराउंड 69,600। गाइस, अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। इस प्रोजेक्ट में बेडरूम की साइज है 10 फीट बाय 8 फीट। बेडरूम में स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना ज़्यादा स्टोरेज हो उतना ही अच्छा होता है। हमने यहाँ पे 6 फीट बाय 7 फीट का स्लाइडिंग वार्डरोब डिज़ाइन किया है। स्लाइडिंग वार्डरोब ओपन होने में स्पेस नहीं लेते और दिखने में बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं। वार्डरोब हमने प्लाईवुड और लैमिनेट से बनाया है। ये वार्डरोब की कॉस्टिंग है 50,400 ओनली। यहाँ हमने ड्रेसिंग टेबल भी डिज़ाइन किया है। ये ड्रेसिंग टेबल की हाइट है 7 फीट, जिसमें हमने 4 फीट 6 इंचेस का मिरर दिया है और 2 फीट 6 इंचेस में ड्रॉवर स्टोरेज दिया है। ये ड्रॉवर स्टोरेज में आप अपने मेकअप आइटम्स और एक्सेसरीज रख सकते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल की कॉस्टिंग जाती है अप्रॉक्स 12,300।
ये क्वीन साइज बेड है जिसे हम डबल बेड भी बोलते हैं। इसकी साइज है 5 feet by 6 feet 6 inches। ये भी प्लाईवुड और लैमिनेट यूज करके बनाया है। बेड के नीचे भी हमें बहुत सारे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। बेड साइड टेबल विथ चार्जिंग पोर्ट भी नेसेसरी है आपके फ़ोन चार्ज करने और लैंप लगाने के लिए। इस बेड विथ साइड टेबल की कॉस्टिंग जाती है अप्रॉक्स 41,000। बेडरूम में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी यूनिट भी होना चाहिए। यहाँ हमने 4 feet का छोटा टीवी यूनिट लिया है जिसमें हमने ड्रॉवर्स और सेटअप बॉक्स का स्लॉट प्रोवाइड किया है। हॉल की तरह यहाँ भी हमने वायर्स कंसील किए हैं। ये टीवी यूनिट भी प्लाईवुड और लैमिनेट से बना है। इसकी कॉस्टिंग जाती है सिर्फ 7,000। बेडरूम में भी हॉल की तरह कर्टन पैनलिंग दी है। ये पैनलिंग की हाइट है 2 feet जिसकी कॉस्टिंग जाती है अप्रॉक्स 14,000 ओनली। बेडरूम और अच्छा दिखाने के लिए इसमें फॉल सीलिंग यानी POP भी की है। फॉल सीलिंग में जिप्सम बोर्ड यूज़ किया है। यह डिज़ाइन सिंपल और मॉडर्न दिखाई है ताकि वो फर्नीचर लुक से मैच करे। ये फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग जाती है अप्रॉक्स 20,000। सो गाइज, आपने देखा हमने बेडरूम का लुक कितना मॉडर्न और एलिगेंट बनाया है। ये बेडरूम की टोटल कॉस्टिंग जाती है 1,44,700 ओनली। सो फ्रेंड्स, हमारा 1 BHK डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये प्रोजेक्ट एंड टू एंड 30 डेज में कंप्लीट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग देखे तो वो जाती है 2,97,900 ओनली। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको हमारे डिजाइन अच्छे लगे। और अगर आपको अपने घर का रेनोवेशन हमसे करवाना हो तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करें या फिर हमारे सोशल मीडिया पेज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, जिसके डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम हमारी सर्विस मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे रीजन में प्रोवाइड करते हैं। So guys, thank you so much for staying with us. I hope you enjoyed this video. Give us a thumbs up by hitting the like button and do comment below this video. Also subscribe to our channel for more amazing and interesting videos. Till then, take care, be safe and goodbye.